नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आज के मुख्य समाचारों में बने रहिए। फीस माफी को लेकर प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। खतौली में जीटी रोड स्थित सेंट थॉमस स्कूल में अभिभावकों ने पहुंचकर अपनी समस्या बताते हुए प्रधानाचार्य को एक फीस माफी को ज्ञापन सौंपा। अभिभावक काल में कामकाज से परेशान हैं, इसलिए बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि सभी बच्चों की फीस माफ करते हुए उन्हें समान शिक्षा का अधिकार देते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। फीस जमा ना होने के कारण स्कूलों द्वारा कुछ बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा रोक दी गई है। इसी क्रम में भाजपा नेता अनुन सहरावत के नेतृत्व में सैकड़ों अभिभावक सेंट थॉमस स्कूल पहुंचे। उन्होंने वहां के प्रधानाचार्य से मिलकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए हैं, काम सही से नहीं चल पा रहा है, जिस कारण अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि फीस जमा ना होने के कारण काफी बच्चों की पढ़ाई रोक दी गई है। इतना ही नहीं, ली गई परीक्षा का परिणाम भी घोषित नहीं किया गया। अभिभावकों ने मांग की है कि इस बार स्कूलों को सभी फीस माफ कर देनी चाहिए, जिससे कि अभिभावकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे सिर्फ फीस के लिए हो गया, किसी का नाम काटा जा रहा है, किसी को रिजल्ट नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि शासन प्रशासन और हाई कोर्ट में सिर्फ खुले आदेश हैं कि आप फीस सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। परसों बी एस ए का भी आदेश सुना है, बी एस ए का भी आदेश सुना है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप किसी भी तौर पर कोई भी अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। सर नाम बताइए। जी सर, मुझे ये बताइए आप किस चीज़ का ज्ञापन दिया, किस चीज़ की मांग को लेकर? ज्ञापन यहाँ पर जो सेंट थॉमस के अभिभावक हैं, सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं और फीस माफ़ी के हेतु कुछ उसमें यहाँ पर हम ज्ञापन देने वाले हैं। कोर्ट के यहाँ मैनेजर को फोन तक पहुँचे जो भी है यहाँ के कोर्ट के साथ, तो उसके संदर्भ में ही लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि अभी सब जगह से सब सरकार ने फीस माफ़ी का अध्यादेश जारी किया है, लेकिन अभी सेंट थॉमस स्कूल ने कोई जारी नहीं किया। तो यहाँ लगभग 500-600 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। जी जी, उसी संदर्भ में हमारा ये विज्ञापन है। बच्चे सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ते हैं और जो मुख्य जो समस्या है जिसको लेकर के हम यहाँ एकत्र हुए हैं, वह है फीस वृद्धि को लेकर के, और बच्चों को समय पर काम नहीं भेजा जा रहा है। बच्चे ऑनलाइन क्लास ही चल रही हैं, कुछ बच्चे वंचित कर दिए और कुछ काम दे रही हैं। जिनकी फ़ीस जमा हो रही है उनको तो काम दिया जा रहा है, जिनकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है उनको काम भी नहीं दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, सभी को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए।